गजबू हम आ रहे हैं, तुम गेंद और बल्ला निकाल के रख लो। अरे बेटा बाहर कहाँ जा रहे हो बेटा, बाहर कोरोना है कोरोना। अरे पापा हम गेंद और बल्ला खेलने लाने जा रहे हैं। हाथन को लाओ अपने आगे। कहा हो पापा? देखो बेटा बाहर कोरोना फैला है, कछु खाओ तो ई लो सूक्ष्म जीवाणु रक्षक घोल सैनिटाइजर, इसे पहले अपने हाथों को धोना फिर ही कुछ खाना। अब हम जाएं? रुको, ई लो सूक्ष्म जीवाणु रक्षक कवच, बोले तो मास्क, ई का पहनो और स्वस्थ रहो। अब हम जाएं? ठीक है जाओ बेटा। अब रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। अब का भया पापा? देखो बेटा बाहर कोरोना फैला है, पकड़ा पकड़ी खेलो तो हाथ ना लगाना, लुक्का छुपी खेलो तो थप करने के लिए कुछ फेंक देना पर हाथ ना लगाना। देखो बेटा गेंद खेलो बल्ला खेलो, तुम्हारी मर्जी तुम किसी को भी पी लो पर बेटा हाथ ना लगाना। हाँ बेटा जाओ खेले लाने जाओ, अब हैं जाओ। हम जा ही नहीं रहे, अब जाना ही नहीं, हमें नहीं जाना। अरे पुष्पक अंकल आए। अरे बेटा टीटू हमारा बचुआ, आओ बेटा लल्ला तुम्हारे लाने टॉफी लेके आओ बेटा, आओ। भाई तो ठीक है। अरे पुष्पक जी आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। अरे जनक जी कैसे हैं? अरे आइए आइए हमारे साथ आइए। अरे आइए तो आइए, धोइए। हम तो प्रातः काल ही धो लिए थे। अरे पुष्पक जी अपने हाथन को धोइए, हाथन को। हाँ धोइए, अच्छे से धोइए, नल को भी धोइए, आपके हाथन में जीवाणु लग जाएंगे। अभी नल को चालू किए थे, धोइए। भगवान दो चाय बना देना। हाँ अभी बना रहे। देखिए पुष्पक जी कोरोना फैला है, सावधानियां बरतनी पड़ेगी। पहली बात तो ये हाथन को धोना है, बढ़िया साबुन लगाई के 10 सेकंड तक हाथन को बढ़िया घिस के मलमल के धोना है। दूसरी बात पुष्पक जी, अदरक डाल दूं? हाँ डाल दो। जब भी घर से निकले सूक्ष्म जीवाणु रक्षक कवच पहन कर ही निकले, हमारे कहने का मतलब है मास्क। लीजिए आप भी ले लीजिए ये मास्क। तीसरी बात पुष्पक जी, इलायची डाल दूं? हाँ डाल दो। किसी भी बीमार व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, कोई कितना भी बुलाए ये आपका मन ललचाए। जी पुष्पक जी, हाँ जी बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, ग्रुप में ना जाए। चौथी बात पुष्पक जी, शक्कर डाल दूं? हाँ डाल दो। देखिए पुष्पक जी कोरोना से हो रहा है जीवन बेहाल, खांसते और छींकते समय मुंह पर रखे रुमाल, नहीं तो तुम हो जाओगे बेहाल और तुम्हारी मैयत पे हम करेंगे धमाल। क्यों जी सुनते हो, चाय की पत्ती डाल दूं? ऐसा करो हमारी महरारू, ई लो सैनिटाइजर की डब्बी और ई पूरी डाल दो चाय की जगह में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा,